यस हेलो वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन सो लेट स्टार्ट द सेशन टुडे आज से देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि रोज जो कुछ पांच इम्पोर्टेंट चीज हैं जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स और स्पोर्ट्स या फिर अ, कोई जो हमारा रॉकेट जाता है कोई डी का मिशन है कोई डिफेंस का मिशन है इस तरह से हम उसको धीरे धीरे करके चीज़ों को डील करेंगे जो कि करेंट अफेयर्स का एक, एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है तो आज मैंने पाँच मिसाइल रखे हैं आपके साथ डील करने के लिए बस आपको उसका रेंज थोड़ा बहुत जानना है किसने उसको डेवलप किया है अगर कोई कंट्री उसमें इन्वॉल्व है तो कौन सा कंट्री इन्वॉल्व है अदर देन इंडिया ठीक है सो लेट स्टार्ट द सेशन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन हाँ जी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग हाँ थोड़ा सा आज एक दो मिनट जो है वो हमारे साइड से डिले हुआ है तो आई एम रियली सॉरी ठीक है बस सेशन को लगाने में जो टाइम लगाए मैं तो टाइम पे आ ही जाती हूँ आप लोगों को पता ही है Every morning is a chance at new day. सब लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है जोड़ों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है जिनके इस साल जितने भी एग्जाम्स उसको निकालना ही है और उसमें जो भी करंट अफेयर्स आएगा वो यही आठ से नौ बजे वाले सेशन में आएगा ये आपको प्रॉमिस है ठीक है चले बहुत बढ़िया लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा था सैटरडे को किशवाली डे अफ्रीका में एक भाषा है जिसपे एक दिवस है किशवाली क्या कि आप बता सकते हैं किशवाली डे कब मनाया जाता है तो किशवाली डे सात जुलाई को मनाया जाता है धोनी के बर्थडे के दिन तो यूनेस्को यूनेस्को क्या करता है कि जो भी चीजें विलुप्त हो रही हैं जो एजुकेशनल चीजें हैं या तो उसको विलुप्त हो रही या कल्चरल चीजें हैं उनको सिक्योर करता है उनको प्रिजर्व करता है तो ये भी एक भाषा है जो कि विलुप्त हो रहा है तो यूनिस्को क्या कर रहा है इसको सिक्योर कर रहा है इसको प्रिजर्व कर रहा है ये अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बोली जाती है और मोस्ट वाइडली स्पोकन इन सब सहारन एरिया सहारा क्या है डेजर्ट है सहारा क्या है डेजर्ट है जब भी आप लोग डेजर्ट के बारे में सुनते हैं तो आपको मरुस्थली बहुत गर्मी याद आती है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है डेजर्ट कोल्ड भी होते हैं ठीक है ठीके? जैसे कि आपका गोभी डेजर्ट क्या है कोल्ड है हमारा लद्दाख क्या है कोल्ड है तो कोई भी ऐसा वेजिटेशन जहां कोई भी ऐसा जगह जहां वेजिटेशन नहीं है कोई भी ऐसा जगह जहाँ पेड़ पौधा हरियाली कुछ भी नहीं है वो क्या है बंजर मतलब पूरा ही वो डेजर्ट एरिया डेजर्टेड एरिया है ज्यादातर अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में तो वहीं पे डेजर्ट है जहाँ पे कोल्ड करंट बहते हैं थोड़ा सा आपको ज्ञान की बातें कर दी जाए तो देखिये दो तरह के करंट होते हैं एक करंट होता है जैसे मान लीजिए ये आपका धरती है और ये आपका इक्वेटर है ठीक है तो एक जो होता है कुछ इस तरह के तरंग पानी के तरंग जो कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे जब कोई भी चीज इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा ये जान रहे ना आप कि ये होगी आपका पोल और ये हो गया आपका इक्वेटर तो वो ओब्वियसली गर्म रहेगा तो ये आपके हो गए वार्म करंट और कोई भी ऐसे चीज जो पोल से इक्वेटर की ओर आएंगे तो वो ऑब्वियसली ठंडा होगा तो वो पानी के तरंगे जो पोल से इक्वेटर की ओर ओड़, आते हैं वो होते हैं कोल्ड करेंट ठीक है अब क्या है कि आप लोग थोड़ा बहुत मैं आप लोग में से साइंस स्टूडेंट भी है तो जो गर्म चीजें होते हैं जो गर्म चीजें होते हैं गर्म क्या है एक एनर्जी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होता है हाफ एम वी स्क्वे इसीलिए गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर जाती है और वही हवा बादल बनाती है ठंडे हवा में उतना ज्यादा एनर्जी नहीं होता कि वो ऊपर की ओर जाए वो जनरली नीचे सिंक कर जाती है ठीक है वो कभी भी ऊपर की ओर जाके बादल नहीं बनाती अब ये सब बातें क्यों कर रहे हैं कि अगर आप कभी भी वर्ल्ड में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही वही डेजर्ट है जिसके आसपास कोल्ड करंट है तो अफ्रीका के भी वेस्टर्न पोर्शन में कोल्ड करंट है जिसके कारण हवा ऊपर नहीं जाती है और अफ्रीका के जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहां बारिश नहीं होती है और वहां डेजर्ट बन जाता है तो यह है छोटी सी डेजर्ट की कहानी हमारे देश में कौन सा डेजर्ट है ये आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए बढ़िया नेक्स्ट यस मैम पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट जिन्हें अभी लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम दे दिया ना रिजल्ट आ जाएगा डाल दीजिए फॉर्म ठीक है बिल्कुल थार्ड है हाँ हाँ बिल्कुल अग्निपथ योजना गर्ल्स के लिए भी है क्यों नहीं है फॉरगिवनेस डे माफी देने का क्षमा दिवस हमने मनाया है सात जुलाई को ही मनाया है तो आजकल इंसानियत में ये सब भी जरूरी हो गया है जी ट्वेंटी देखिए जी ट्वेंटी क्या होता है कि बीस ऐसे देश जो कि चाहते हैं जिनका Uh, पूरा इकोनॉमी जो है वो इमर्ज हो रहा है डेवलप हो रहा है डेवलपिंग फेज में है और जो चाहते हैं कि आगे जाके वो डेवलप्ड कंट्री बन जाए एजुकेशन पे बात कर रहे हैं डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं उनको हम कहते हैं देश राइट बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग एकदम चटाचट आंसर दे रहे हैं यानी कि जस्ट सैटरडे को पढ़े तो ये जो ग्रुप ऑफ ट्वेंटी देश है इस साल दो में ये जो होस्ट है ना इसका वो है इंडोनेशिया ठीक है तो प्रेसिडेंट भी इंडोनेशिया होस्ट भी वही है अगले साल पहली बार भारत 2023 में इसको होस्ट करने वाला है जी ट्वेंटी के बारे में आप जानते हैं। और नीति आयोग के सीईओ थे है ना तो वो अब सीईओ नहीं वाइस प्रेसिडेंट थे तो वो अब रिटायर कर चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट थे कि सीईओ थे बताओ अमिताभ कांत कौन थे परमेश्वर अय्यर है सीईओ है ना और सुमन बेड़ी है वाइस प्रेसिडेंट ठीक है इसके पहले सीईओ थे अमिताभ कांत और हां और इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे राजीव कुमार ये सब याद होगा किस ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है नीति आयोग का बात हो रहा है, है ना और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं तो चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो ये जो अमिताभ कांत जी थे ये नीति आयोग के सीईओ थे और शर्पा यानी कि भारत को ये प्रतिनिधित्व करेंगे जी ट्वेंटी के मीटिंग में क्लियर है एक बात और समझ जाइएगा आप लोग कि जब आप लोग थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे तो आप जाएंगे 1951 में जहां पे क्या था? कमिशन बना था ठीके? प्लानिंग कमीशन बना था ठीक है प्लानिंग कमीशन बना था ये हमने पहले भी बात की है इसके बारे में और प्लानिंग कमीशन क्या करता था भारत में पंचवर्षीय योजना को लेकर आया था जिसको आप बोलते हैं फाइव ईयर प्लान है ना प्लानिंग कमीशन क्या लेकर आया था फाइव ईयर प्लान लेकर आया था 1951 से शुरू हुआ और 2017 में जाके प्लानिंग कमीशन का टोटल 12 फाइव ईयर प्लान बना जो कि जाके समाप्त हुआ और फिर फाइनली इसी बीच में 2015 में क्या आ गया 2015 में एनडीए सरकार ने क्या लेके आए ये ये ले लेकर आए नीति आयोग ठीक है नीति आयोग जो कि ये प्लानिंग करेगा प्लानिंग कमीशन की जगह अब यह आ गया है दोनों में एक चीज सामान्य है सेम है कि प्लानिंग कमीशन भी कोई डिसीजन लेता था ना तो उसको एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से पास करवाना पड़ता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से पास करवाना पड़ता था ठीक है ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 का बना हुआ है एक साल बाद बना था और अगर नीति आयोग भी कोई डिसीजन लेगा ना तो उसको भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से ही पास कराना पड़ेगा इसके इसके और इसके चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री जी ही होते हैं इतना आपको क्लियर हो गया है बहुत बढ़िया चले नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया इंडिया का रिकॉर्ड है कि 11 साल में ये सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी की गई है इसके द्वारा तो आप बताइए कि किस महीने किस महीने सबसे ज्यादा इन सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री किस महीने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है बिल्कुल तो ये हुआ है जून 2022 में हमारा सर्विस सेक्टर जैसे कि पढ़ाना डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना कोई भी किसी को सर्विस प्रोवाइड करना रेस्टोरेंट में काम करना ये सब क्या है सर्विस सेक्टर है फैक्ट्री में काम करना इंडस्ट्री में काम करना सेकेंडरी सेक्टर है और रॉ मटेरियल से रिलेटेड काम करना एग्रीकल्चर करना प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी में अभी तक तीन सेक्टर है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब आ रहा है तो हम लोग उसको कॉटनरी और क्वाररी सेक्शन में बोलते हैं ठीक है चले नेक्स्ट शिक्षा सम, uh, सम संगम ठीक है शिक्षा संगम अखिल भारतीय शिक्षा संगम तो इसको कहाँ पे अभी मोदी जी ने इनोग्रेट किया है अभी दो तीन चार दिन पहले की बात है बहुत बढ़िया चंदन सिंह तुम तो मेरा नाम रोशन करोगे बहुत एक्सेलेंट ठीक है ये बता भी रहे हैं कि आखिरी ट्वेल्थ ईयर प्लान जो है वो 2012 से 2017 तक रहा मोदी जी ने संगम जो है ये बनारस में अभी अभी इसको किया है 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 दिन का ये रहा है। है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री नहीं रहे इन्होंने स्टेप डाउन करना यानी कि रिजाइन कर दिया है प्रधानमंत्री पद से क्या बता सकते हैं कि बोरिस जॉनसन कहा के प्रधानमंत्री नहीं रहे अब मतलब ऐसा नहीं कि मतलब रिजाइन किए बस जैसे कि हाँ ठीक है यूके के और कहा के फॉर्मर प्रधानमंत्री का कहा के फॉर्मर प्रेसिडेंट का भी निधन हुआ है के के थे थे वो वो भी बता दीजे। तो जापान बिल्कुल कौन से ऐसे नेता अभिनेता हैं एक्टर हैं जो कि कहते हैं कि मैंने फेस किया था ब्लाइंडनेस तो ये ब्रैड पिट हैं जो कि कहते हैं कि हमने ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर को देखिए ये मतलब ऑलमोस्ट अंधा हो के दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बनना बड़ी बात है तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रोसो ये किस बीमारी से रिलेटेड है तो आप बोलिएगा कि देखिए ये ना ब्लाइंडनेस ऑर्डर से रिलेटेड है यानी कि अंधा जो होते हैं तो मतलब आंख की बीमारी से रिलेटेड बस एमडी और सीईओ कौन है एक लाइफ इंश्योरेंस तो अभी न्यूज़ में इसलिए याद रख सकते हैं आप कि असित रथ जो है, वो अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की और मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी ठीक है मन्नापुरम गोल्ड लोन अक्षय कुमार का एड आप लोग देखे होंगे तो मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी जो है वहां के एमडी और सीईओ कौन है तो वहां पे है वीपी नंदा कुमार वीपी नंद कुमार जो है वो एमडी एंड सीईओ है मन्नापुरम गोल्ड मतलब फाइनेंस कंपनी के ठीक है यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन एक मिशन भेज रहा है और गर्व की बात यह है कि यहाँ पे इस मिशन को जो फोर्स कमांडर रहेंगे उस पूरे फोर्स के जो कमांडर रहेंगे कमांडिंग ऑफिसर रहेंगे वो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उनका नाम क्या है मोहन सुब्रमण्यम नाम है इनका ठीक है मोहन सुब्रमण्यम को यूनाइटेड नेशन अपना फोर्स भेज रहा है साउथ सुडान में और यहां पे ये रहेंगे ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट नैरोबी फ्लाइज ठीक है नैरोबी जो कि केन्या का कैपिटल है यहां के मक्खी के कारण स्किन डिजीज होता है ठीक है स्किन डिजीज हो रहा है क्या आप बता सकते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे ये नैरोबी फ्लाइज मक्खी आ गई है तो ये कौन सा है कितना कौन सा है ये बहुत बढ़िया तो ये देखिए सिक्किम है सिक्किम में ये केनिया से उड़ के मक्खी उड़ के नहीं आई है वो बीमारी ट्रांसफर हो गई होगी देखिए ये सब जो है ना मक्खी मच्छर ये सब क्या होते हैं ये वेक्टर होते हैं ऐसा नहीं है कि बीमारी है उनमें समझो इस बात को उनमें कुछ ऐसा पैरासाइट आ जाता है पैरासाइट आ जाता है जो इस मक्खी मच्छर में आ जाता है और फिर जब ये इन किसी को काटते हैं तो वो पैरासाइट उस बॉडी में चला जाता है तो ये लोग बस वेक्टर हैं ये लोग बस डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं एक बात और याद रखिएगा कि फूल में यहां से एक चीज और याद आया कि फूल में क्या होता है जैसे ये फूल है उड़ूल का फूल देखे होंगे आप लोग जो अंग्रेज अंग्रेजी वाले हेबिस्कस है, कहते हैं उसको लाल रंग का उड़ूल का फूल दुर्गा जी पे चढ़ता है दुर्गा जी को बहुत पसंद है उड़ूल का फूल ठीक है तो इस तरह से वहां पे इस तरह से ऐसा कुछ होता है ये सब जो ऊपर का पार्ट है ना ये जो पॉलिन ग्रेन आपको दिख रहा है इसको हम एंथर बोलते हैं ठीक है और ये जो नीचे जो जहां से निकल रहा है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं तो जनरली बोला जाता है कि ये स्टिग्मा जो है वो फूल का फीमेल पार्ट है और जो ये एंथर है ये फूल का मेल पार्ट है ऐसा ही होता है ना ठीक है तो ये फूल का मेल पार्ट है अगर कोई मक्खी या कोई भी चीज जो भवड़ा होता है तो इस इसपे गिड़ अगर मतलब कि इस पर बैठ जाए या हवा या पानी तो ये सब क्या है ये ये है सारे फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन तो क्या होगा कि पोलिन ग्रेन इस पर गिर जाएगा गिरेगा तो उसके बाद सब कुछ जो कुदरत में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या होता है पॉलिनेशन होता है यानी मेल पार्ट जो है वो फीमेल उसमें चला गया है बॉडी में और अब यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड होगा तो ये है पॉलिनेशन का पूरा प्रोसेस हाँ ख़ुद से भी गिर जाता है अगर एक ही फूल में गिरा तो सेल्फ पॉलिनेशन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में गया तो क्रॉस पॉलिनेशन एक भवड़ा फूल पे बैठा वो जाके दूसरे फूल पे बैठ गया वहां पे वो गिरा दिया एंथर को तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया इस तरह सब चीज़ों को पढ़ते हैं और कहते हैं जब ये कि पॉलीनेशन कम हो रहा है या इस तरह के जो हमारे फैक्टर्स हैं जो भँवड़ा है या फ्लाइज़ है ये कम हो रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए खतरा इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगा तो फिर जर्मिनेशन कैसे होगा फिर कैसे होगा हम लोग का क्रॉप विंड और पानी पे ही हम निर्भर रह जाएंगे राइट तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत इन चीजों को भी समझिए बायोलॉजी है है ना बाकी तो हम लोग स्टैटिक पोर्शन एक बजे ये सब बात करते ही रहते हैं अभी पॉलिटी चल रहा है हाँ तो वेरी गुड मॉर्निंग पीडीएफ आपको देखिए इसी चैनल के जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाता है ठीक है अभी इकतीस मिलियन मेट्रिक टन गोल्ड डिपॉजिट मिला है हम भी इसी कंट्री का भी लिए हैं वीजा जा रहे हैं हम भी है ना इतना गोल्ड मिल जाएगा तो फिर क्या ही युगांडा में मिला है ठीक है गर्मी बहुत ज्यादा होगा तो ठंड में जाएंगे आप लोग एग्जाम के बाद ओके तो युगांडा गवर्नमेंट ने ये बात कहा है नेक्स्ट आप देखिए यूके ने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने पहली बार कहा है कि एक कंट्री के साथ हम अपना डेटा शेयर कर रहे हैं एक कंट्री को हम अपना जो भी डेटा है उसको दे रहे हैं तो ये किस कंट्री को देंगे ये देंगे साउथ कोरिया को ठीक है साउथ कोरिया को पहली बार यूके ने ये बात बोला है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फॉर्म अ चैंपियंस लाइफ इन द मेमोयर ऑफ तो एक व्यक्ति ने ये किताब लिखा है माइंड मास्टर देखते ही आपको याद आ जाता है कि हम लोग चेस का बात कर रहे कल हम जुमान जी देख रहे थे तो जुमानजी याद आ रहा है ठीक है तो हम लोग चेस का बात कर रहे थे है ना तो ये आप देख सकते हैं और ये विश्वनाथ आनंद पे लिखा गया है और ये लिखने वाले कौन है उनका नाम आप ध्यान रखेंगे रिटर्न बाई आनंद और सुजान जो ऑथर है सुजान निनान इसके साथ इनके साथ लिखे हैं आनंद और सुजान ठीक है सुजैन फिर आप बोल रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला में एक प्रोडक्ट को एकदम फेमस बना देना है तो ये आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की बात है उत्तर प्रदेश चाहती है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ एक जिला में जैसे तो नहीं बोलते अलीगढ़ का ताला हो गया या टेराकोटा टेराकोटा समझते हैं टेराकोटा कोटा इंदस वाली सिविलाइजेशन में भी था टेराकोटा होता है कि मिट्टी के चीजों को बनाना टेरा कोटा मिट्टी के चीजों का हाथी घोड़ा छोटा छोटा चीज बनाते हैं पहले हम लोग बचपन में किचन सेट बहुत खरीदते थे नवरात्रि के टाइम तो ये आपका गोरखपुर में है है ठीक फिर नेक्स्ट आप देखें जल गया इस तरह से लोग खेलते थे अब तो खाली वीडियो गेम खेलते हैं हम लोग के जमाने में ये सब भी खेलते थे हम लोग ठीक क्ले का गुड पूरा ही अंग्रेज है क्ले बहुत बढ़िया हाँ तो देखिए कि कौन सा स्टेट कह रहा है कि फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल भारत में राइट टू हेल्थ राइट टू हेल्थ को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा देखिए आज अगर आप एक बजे फ्री हैं तो आ जाइएगा वन पी एम पॉलिटी का क्लास चल रहा है उसमें आज हम लोग सिटीजनशिप पढ़ेंगे अगर आज खत्म होता है तो ठीक है नहीं तो कल भी सिटीजनशिप और परसों हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है जो कि पार्ट थ्री में आता है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इक्कीस इक्कीस में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ तो राइट टू लाइफ में ही जो जितना भी चीज आपका आता है कि राइट टू प्राइवेसी हो गया राइट टू पर्सनल लिबर्टी हो गया ये जो हेल्थ वेल्थ है सब इसी में आ जाएगा ठीक है राइट टू लाइफ आर्टिकल नंबर इक्कीस याद रखेगा और एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यानी कि संशोधन से दो में बाद में जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर ट्वेंटी का ए पोर्शन जो कि था राइट टू एजुकेशन यानी कि छ से लेकर चौदह साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है हमारे संविधान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था ये सब कुछ स्टैटिक पोर्शन है जो आपको पता होने चाहिए चले, ठीक है तो ये राजस्थान है राजस्थान अपना एक बिल लेके आया है जो कि क्या कहता है राइट टू हेल्थ कहता है ओके okay. नेक्स्ट है कि फर्स्ट कैंपस बेस्ड आई बिजनेस इंक्यूबेटर तो इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है कि जब छोटा छोटा बच्चा ऐसे पैदा होता है ना हाँ नहीं ऐप पे नहीं यूट्यूब पे है फ्री क्लास है एक बजे वाली एकदम फ्री लेकिन ये इंजीनियर अड्डा पे होती है ठीक है हाँ तो ये जो छोटा छोटा बच्चा वाला होता है तो हम लोग उसको शीशा में रखते हैं ना एकदम सुंदर से क्यों रखते हैं क्योंकि अभी वो प्रकृति इतना ज्यादा पॉल्यूशन वलूशन है उसके हिसाब से अभी वो डेवलप नहीं किया है तो वो डेवलप जब तक होगा इसके लिए रखते हैं तो उसी तरह से जो छोटे छोटे स्टार्टअप कंपनी है अगर बाहर के जगह पे देखा जाए तो उतना पैसा होता नहीं उनके पास तो उसको भी इंक्यूबेटर में रखा गया है ताकि वो अच्छे से डेवलप कर जाए और ये इंक्यूबेटर बांग्लादेश ने इसको रखा है शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं काफ़ी स्ट्रांग है। लेडी हैं चिटागोंग के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो चिटागोंग जो है जब आप इतिहास पढ़ेंगे उन्नीस तीस बत्तीस का टाइम था जब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सूर्य सेन है ना सूर्य सेन तो उन्होंने चिटागोंग आंदोलन किया था अब बांग्लादेश में चला गया है यहाँ पे कुछ कुछ फीमेल का बड़ा अच्छा रोल था जैसे कि प्रीति लता फिर बीना दास जो कि पॉइंट ब्लैंक से शूट की थी प्लॉइंग पॉइंट ब्लैंक होता है एकदम सटा के गोली मारना तो ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं सूर्य सेन के बारे में ठीक है क्रांति इनको मास्टर दा भी कहा जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्ब मैगजीन ने एक लिस्ट बनाया है अमेरिकन अमेरिका America की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन यानी कि खुद से उन्होंने सब कुछ किया है और सेल्फ मेड है तो ये जो रिचेस्ट सेल्फ मेड है उसमें एक इंडियन ओरिजिन की सीईओ भी उनका लिस्ट में नाम आया है और इनका नाम कौन है ये बिल्कुल तो जयश्री वी उल्लाल इनका नाम है ये खुद से कंपनी बनाई और खुद से बहुत आगे गई और अब इनके पास पांच परसेंट अरिस्टा कंपनी उसका भी स्टॉक है और ये फॉर्म मैगजीन के अकॉर्डिंग पंद्रहवें रैंक पे ये भारतीय मूल की अमेरिकन वीमेन है ठीक है एम और सी ई एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कौन बन गए हैं तो यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कंपनी के परितोष त्रिपाठी बन गए हैं उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप स्कूल इंडिया हु हैज लॉन्च स्टार्टअप स्कूल इंडिया तो स्कूल में अब स्टार्टअप को और ज्यादा फेलिसिटेट करने के लिए ये किसने लॉन्च किया है हम गूगल ने इसको कि लॉन्च किया है ठीक थोड़ा बहुत अब मेरा बात सुनिए मोदी जी ने दिल्ली में अरुण जेटली अरुण जेटली जी का मेमोरियल लेक्चर ठीक है तो इसको इनोग्रेट किया गया है मोदी जी द्वारा नेक्स्ट आप देखें छत्तीसवा नेशनल गेम होने वाला है देखिए ये पूछा जाता है कि कितना, कितना संस्करण होने वाला है तो 2022 में छत्तीसवा नेशनल गेम होगा और ये गुजरात में होगा गुजरात के सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल जी और ये होगा आपका सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में लेकिन आप लोग अपना नेशनल गेम का तैयारी कीजिए ठीक है अब आप जानते हैं कि श्रीलंका में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है क्राइसिस आएगा तो तबाही तो होगा ही भारत में छोटे छोटे बीच बात पे हो जाता है तो ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस है तो वहाँ के प्रेसिडेंट के जो घर पे लोगों ने जाके हमला कर दिया है आप जानते हैं कि चार भाई ने श्रीलंका में पूरा एकदम राज संभाला हुआ था गोटाबाया राजपक्षे जो कि प्रेसिडेंट हैं महिंद्रा राजपक्षे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे फिर उनको हटाया गया राम सिंगे को लाया गया पता है ये सब है आपको ठीक है तो गोटाबाया राज्यपक्ष प्रेसिडेंट है श्रीलंका के और अब इनको अपने घर से भागना पड़ा क्योंकि लोग आ गए वहां पे खर्ची खर्ची एक आ, पूजा है जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है त्रिपुरा जिसका कैपिटल अगरतला है त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि ऑलमोस्ट 80 परसेंट तक बांग्लादेश में घुसा हुआ है मतलब उसका पूरा बॉर्डर जो है ज्यादातर बांग्लादेश में है ओके okay. नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अच्छा है और के गुप्ता जो है वो बन गए डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ठीक है के गुप्ता बन गए हैं डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और अभी डिटेल में तो आर्टिकल नंबर तीन में देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है जो कि देश में इंडिया में और स्टेट में भी ठीक है यूनियन में भी और स्टेट में भी जितने इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट कराता है सीएम ये सब का जो इलेक्शन होता है एमएलए का इलेक्शन पीएम का इलेक्शन एम पी का इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये कौन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है तो आप बोलेगा फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन सी करता है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपल कोऑपरेशन म्यूनिसपैलिटी पंचायत ये सबका का इलेक्शन जो है वो कौन कंडक्ट कराता है

पैंसठ साल हो गया तो रिटायर कर जाते हैं जो भी दोनों में से पहले हो जाए ये रिटायर कर जाते हैं ठीक है इतना आपको समझ में आ गया है नेक्स्ट आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट टू हैव थर्टीन एक्सप्रेस वे इन द नेशन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पे तेरा तेरा एक्सप्रेस वे है बहुत अच्छा सब कुछ एकदम फास्ट चलेगा वहां पे अब देखिए मलेशियन ओपन बैडमिंटन के लिए होता है 28 जून से लेके 3 जुलाई हुआ अब इस ये खत्म हो गया है कोला लामपुर में हुआ तो अब आपको जानना है कि इसमें कौन क्या जीता तो अगर आप मेन सिंगल में देखेंगे तो विक्टर एक्सेलसन जीते हैं डेनमार्क के हैं विमेन सिंगल में देखेंगे तो इन तान नोन जीती हैं जो कि थाईलैंड की हैं और ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा इसको ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है चले नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें कि इंडिया किन एयरफोर्स और पीएनबी बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है पीएनबी रक्षा प्लस स्कीम के लिए तो इंडियन एयरफोर्स ने किस बैंक के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफर स्टैंडिंग रक्षा प्लस स्कीम के लिए तो पीएनबी के साथ साइन किया है राजस्थान ने ये कौन है अशोक गहलोत वहां के सीएम ठीक है राइट टू हेल्थ बिल लॉन्च कर दिया है वेस्टर्न रेलवे ओपन लॉन्गेस्ट स्काईवे तो वेस्टर्न रेलवे ने स्काईवे बनाया है ठीक है कनेक्टिंग मुंबई किया गया है वेस्टर्न रेलवे द्वारा स्काईवे बन गया है दलाई लामा विजिट टू ले आफ्टर फोर इयर्स कैन फ्यूल द फ्यूम्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना देखिए चाइना नहीं चाहता है कि हम लोग दलाई लामा को शरण दें लेकिन भारत वसुदेव कुटुंबक मानता है कोई भी व्यक्ति अगर हमसे मदद मांगने आएगा तो हम उनको जगह देते हैं तो दलाई लामा जो कि चाइना के हैं और चाइना वाले इनको नहीं मानते हैं कि ये हेड हैं लेकिन इंडिया ने इनको जगह दिया है बुद्धिज़म को स्प्रेड करने के लिए और जो भी बातें हैं और अब ये फिर आए चार साल बाद ले में इस कारण से चाइना के साथ हमारा तनाव बढ़ सकता है ओके अमित शाह ने अनवील किया है स्टैचू ऑफ पीस तो ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टैचू ऑफ पीस है वो स्वामी रामानुजनचार्य के लिए

तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से महोत्सव लॉन्च करते हैं ठीक है टू एग्जीक्यूट एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दो हजार बीस में आया है ठीक है तो ये न्यू पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी ने अखिल भारतीय शिक्षा संगम को वाराणसी में लॉन्च किया है नेक्स्ट आप देखेंगे दो दिन का ट्रेनिंग होगा डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ म्यूजियम हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन तो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के लिए यहां पे दो दिन का ट्रेनिंग करवाया जाएगा राष्ट्रपति भवन में ओके नेक्स्ट मिशन कुशल कर्मी मिशन कुशल कर्मी दिल्ली गवर्नमेंट का है उनके लिए जो कि काम करते हैं लेकिन उनको काम में थोड़ा सा कौशल सीख लें अगर स्किल सीख लें तो उनको काम में ज्यादा फायदा मिलेगा ठीक है तो अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए भारत में फर्स्ट एवर सुनिएगा कल यही क्वेश्चन पूछेंगे फिर आप लोग सही बताइएगा आज थोड़ा गड़बड़ होगा तो कोई बात नहीं तो भारत में फर्स्ट एवर हेल्थ समिट पे लॉन्च किया गया है हाँ सिर्फ काम पे ध्यान दो ठीक है मुंबई में हैदराबाद में दिल्ली में कि कोलकाता में हाँ एक, एक काम करो यार थोड़ा लाइक वाइक कर देना ठीक है लाइक like कर दो सेशन को हमको भी लग जाएगा कि जितना लोग देख रहे हैं देखो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि एक भी सेकेंड आप लोग का वेस्ट ना हो ऐसा नहीं कि हम पकड़ पकड़ करते रहे और पढ़ने के लिए कुछ रहे नहीं तो फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट जानवर के स्वास्थ्य के लिए हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं और ये जो सम्मेलन होगा ये देखिए दिल्ली में होगा ठीक है तो एनिमल के स्वास्थ्य के लिए जो सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं एक एन ए एस सी कॉम्प्लेक्स करके है दिल्ली में वहीं पे हम लोग इसको करेंगे 6 जुलाई को ये हुआ है ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो दुनिया भर में जितना भी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात होती है इकोनॉमिक्स के बारे में बात होती है अर्थशास्त्र के बारे में बात होती है बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्र आए गए एडम्स में तो आप लोग सुने होंगे है ना तो अब इस पूरा एगो वॉल है जैसे हीरो हीरोइन का फोटो लगता है ना वॉल ऑफ फेम में चाहे स्पोर्ट्स स्टार का लगता है तो वैसे ही वॉल है आईएमएफ में जिसमें चीफ इकोनॉमिस्ट का फोटो लगता है अर्थशास्त्रियों का फोटो लगता है भारत के लिए गौरव की बात यह है कि अब पहली बार इसमें एक फर्स्ट वुमेन भी है और फर्स्ट इंडियन भी है और ये कौन है ये है गीता गोपीनाथ ठीक है गीता गोपीनाथ सेकेंड इंडियन है क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट तो ये रघुराम राजन को मिल चुका है ये ऑनर अर्थशास्त्री का लेकिन फर्स्ट वुमेन वुमेन है first women है फर्स्ट वर्स्ट इंडियन फर्स्ट इंडियन बोल देते हैं ठीक है सेकंड भारतीय है रघुराम राजन के बाद और फर्स्ट वुमेन है गीता गोपीनाथ ओके नेक्स्ट आप देखेंगे कि भारत ने सेलेक्ट किया है इंडिया सेलेक्टेड फॉर यूएन यूनेस्को पैनल इन इनटेंजिबल कल्चर फॉर अ पीरियड ऑफ इनटेंजिबल शब्द का क्या मतलब होता है कि अगर हम बोलेंगे कि ये बोर्ड बहुत साल पुराना है बहुत साल करोड़ों साल पुराना है ठीक है और ये देखिए बहुत इसको हम बचा के रखे हुए हैं ताजमहल से भी पुराना ये बोर्ड है आइए इसको देखिए प्रणाम कीजिए यही बोर्ड आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगा तो आप लोग इसको छू सकते हैं ना छू हम भी छू सकते हैं इसको लेकिन अगर हम डांस करना शुरू कर दें तो आप लोग डांस नहीं टच कर सकते गाना गाएंगे तो गाना नहीं टच कर सकते हैं है ना पेंटिंग कर रहे हैं पेंटिंग को आप टच कर सकते हैं तो जो चीज़ टच हो सकता है वॉल मॉन्यूमेंट ये सब वो टेंजिबल हुआ लेकिन जो चीज टच नहीं हो सकता जैसे डांस गाना है ना तो ये इनटेंजिबल हुआ तो इनटेंजिबल और टेंजिबल का मतलब आप समझ गए हैं यूनेस्को में पैनल बैठता है तो भारत ने कहा है कि इस पैनल में हम पार्टिसिपेट करेंगे चार साल के लिए बैठता है तो भारत ने ये 2022 से लेके 26 तक का टाइम लिया है तो भारत क्या करेगा कि इस समय ये इसका मेंबर रहेगा इस चार साल में यूनेस्को पैनल फॉर इनटेंजिबल कल्चर के लिए और ये बार बार रहता है पहले भी रह चुका है दो से दस तक और फिर चौदह से अठारह तक ठीक है चलिए तो भारत को इस समय के लिए डाला गया है फिर देखिए मार्केट रिसर्च सोसाइटी मार्केट का रिसर्च होता है उसके लिए एक सोसाइटी बना है इसके भी अध्यक्ष बनते हैं न्यूज में आए तो बता देते हैं आया तो ठीक नहीं आया तो बहुत अच्छा तो मनीष मक्खी जानी ठीक है अभी आप चिंता मत कीजिए हम अलग अलग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको निकाल के सैटरडे को आपको वो भी दे देते हैं ये मत सोचिए कि सभी चीज पढ़ना है अभी बस देखते रहिए न्यूज में क्या है ठीक है तो मनीष मक्खी जानी ये बन गए इसके अध्यक्ष मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के ठीक है ये देखेंगे मार्केट में क्या चल रहा है महंगाई ये सब सब चीजें देखेंगे हु हैज बिकम द फर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ टी क्रिकेट टू रिकॉर्ड तेरा सक्सेसिव टी ट्वेंटी विनिंग तो तेरा लगातार टी ट्वेंटी विनिंग ये कर चुके हैं ये कौन सा ऐसे कैप्टन है जो इतने सक्सेसफुल बन गए हैं बाबर आजम भी आजकल बड़ा अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान में एक ही व्यक्ति काम का काम कर रहा है मतलब काम का काम का काम ही होना ठीक है तो ये रोहित शर्मा जी हैं ठीक है रोहित शर्मा बोलते हैं इनको कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन टैलेंट से ज़्यादा हमेशा मेहनत काम आता है तो अब ये मेहनत भी कर रहे हैं और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। आप लोग में भी अगर टैलेंट का कमी होगा चिंता मत करिएगा टैलेंट कोई काम नहीं आता है रिजल्ट आता है मेहनत से हाँ टैलेंट में एक फायदा होता है कि उतने ही मेहनत में और ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग भी मेहनत ही बनीगा ठीक है विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन इन्वाइटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर इन इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न तो अब फिल्म फेस्टिवल हो रहा है आप जानते हैं क्रिकेट और फिल्म का बहुत पुराना रिश्ता है तो ये इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको बुलाया गया है इनका नाम है कपिल देव जी मेलबोर्न कहाँ है तो ये तो है आपका ऑस्ट्रेलिया में और कपिल देव जी के पे ही बना था ये 83 जो कि पुट पिट गया बुरी तरह से कोई बात नहीं लेकिन फिर भी उनको बुलाया गया है एटी नाइनटीन में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे पद्म विभूषण देखिए ये सवाल हम डालें इसलिए है क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा जैसे अभी जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका निधन हुआ है है ना जापान के प्राइम मिनिस्टर का निधन हुआ है कभी कभी हम प्रेसिडेंट भी बोल देते हैं सॉरी ठीक है तो जापान के प्राइम मिनिस्टर का निधन हुआ है और भारत में इनको पद्म विभूषण अवॉर्ड पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका है तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस अवार्ड से नवाजा गया था इनको तो पद्म विभूषण और ये सिंसो अवे जापान ये तो आपको पता ही है ठीक है नेक्स्ट आप देखें वीरेंद्र हेगाडे जिनको रिसेंटली अभी नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में ये किस फील्ड से हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट क्या करते हैं बारह लोगों को किस फील्ड से नॉमिनेट करते हैं साइंस से आर्ट से सोशल सर्विस से ठीक है और और लिटरेचर्स लिटरेचर literature, ये चार फील्ड में जो लोग एमिनेंट होते हैं जो बहुत अच्छे प्रख्यात विख्यात लोग होते हैं उनको प्रेसिडेंट कौन करेगा प्रेसिडेंट कहाँ करेगा राज्यसभा में करेगा उनको नॉमिनेट कर देते हैं लोकसभा में पहले एंग्लो इंडियन से दो लोग को कर देते हैं अब नहीं करते हैं ठीक है तो उनको नॉमिनेट करते हैं उसी तरह से ये जो हेगाड़े जी हैं हैं ये है। यानी कि अपना फायदा छोड़कर दूसरों की मदद करने वालों को हम लोग पर्सन कहते हैं तो देखिए टोटल बारह लोग को करेंगे किस आर्टिकल में लिखा है आर्टिकल नंबर अस्सी में लिखा है कि राज्यसभा में दो लोग होंगे जिसमें से दो लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे और बारह लोग जो हैं उनको प्रेसिडेंट आकर नॉमिनेट करेगा ओके okay, तो पीटी उषा को भी किया गया है पीटी उषा धावक है आपको पता ही है म्यूजिक लेजेंड को भी किया गया है और ये जो स्पिरिचुअल लीडर और फिल्मिस्ट है, है ठीक है हरियाली महोत्सव ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने अभी अभी हरियाली महोत्सव को इनोग्रेट किया है तो यहाँ पे ये न्यू दिल्ली में किया गया है आजादी के अमृत महोत्सव में ट्री फेस्टिवल आया है ठीक है तो इसको अब इनोग्रेट किया गया है ठीक मुआब खोतसोंग ये क्या है वेयर 1.2 बिलियन इयर्स ओल्ड ग्राउंड वाटर हैज हैजबिन डिस्कवर्ड तो एक जगह है खोत्सोंग करके अब आपसे पूछा जाएगा कि मुआब खोत्सोंग रिसेंटली इन न्यूज क्यों न्यूज में है ये कहाँ पे ये जगह है तो आप बताएंगे कि मुआव खोत्सोंग जो है वो साउथ अफ्रीका में यहां पे ऑलरेडी यूरेनियम और गोल्ड भी है ध्यान से सुनिए कल यही सब पूछेंगे तो पटापट आंसर दीजिएगा ठीक है नेक्स्ट आप देखेंगे कि अमित आहा अमित आहा नहीं लिखा हुआ है अमित शाह लिखा हुआ है ठीक है तो अमित शाह जी ने स्टैचू ऑफ पीस स्वामी राम रामा रु, रामा रुजन, रामा नु, रुकिए यार पानी पिला ठीक है हा रामानुज आचार्य के लिए इनाग्रेट किया गया है स्टैचू ऑफ पीस तो ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है अमित शाह जी ने इसको इनाग्रेट किया है कहाँ पे श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में ओके नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखेंगे गेटिंग द ब्रेड ये हम सैटरडे को आपको बताए थे प्लीज गलती मत कीजिएगा तो डेब्यूट बुक यानी कि पहली बार ये किताब लिखी है गेटिंग द ब्रेड जेन जेन जेड वे टू सक्सेस ये साक्षी मलिक ने लॉन्च किया है और ये किताब लिखा गया है प्रार्थना बत्रा द्वारा प्रार्थना बत्रा द्वारा इसको लिखा गया है साक्षी मलिक ने इसको लॉन्च किया है ठीक है इनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है पावर पीपल एंड प्रार्थना तो अब इन्होंने किताब भी लिख दिया है स्वनिधि महोत्सव अभी अभी आपने देखा है कि दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है तो किसने लॉन्च किया है ये आप बता सकते हैं तो स्वनिधि महोत्सव हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया है दिल्ली में अभी पढ़े हम लोग नेक्स्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्बन अफेयर्स में जो लोग काम करते हैं उनको और ज्यादा कौशल प्रोवाइड करना इसका मेन एम है फिर आप देखें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कौन बने हैं ये तो दो तीन दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो भी हमारा इंडियन इंडस्ट्री है उसका एक कॉन्फेडरेशन बनता है उसका एक पूरा सम्मेलन मतलब बड़ी बनता है जिसको आप बोल सकते हैं तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं इसके तो प्रेसिडेंट बने हैं आर दिनेश ओके okay. नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे ठीक है मिशल कौशल कर्मी कौशल कर्मी किसने अभी शुरू किया है तो अभी पढ़े हम लोग दिल्ली में दिल्ली में शुरू किया गया है लोगों को और ज्यादा क्या करने के लिए स्किल देने के लिए ठीक है आज का जो मेन चीज है जो हम आपको बताना चाहते हैं देखिए अभी नाम कुछ मिसाइल्स का यहाँ पे लिस्ट लिखे एक है ब्रह्मोस एक है ब्रह्मोस टू ये अस्त्र है ये निर्भय है और ये हेलिना है तो ये पांच मिसाइल है अब आपसे क्या पूछा जाएगा सुपरसोनिक सुपरसोनिक का क्या मतलब होता है कि साउंड के स्पीड से ज्यादा ठीक है अगर ये हाइपरसोनिक होगा कि साउंड के गुना से भी ज्यादा अगर ये ट्रांसोनिक होगा यानी कि साउंड के स्पीड के बराबर और हाइपोसोनिक होगा यानी कि साउंड के स्पीड से कम तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ये पूरे दुनिया का 290 किलोमीटर का इसका रेंज है यानी कि यहाँ पे इसको छोड़ा जाएगा तो ऐसे उड़ के 290 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर जाएगा ठीक है और एक है ब्रह्मोस 2 जो कि हाइपरसोनिक है यानी कि सुपरसोनिक से भी ज्यादा फास्ट है तो ये भी सेम ही रेंज है इसका तो इस ब्रह्मोस के बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे ठीक है क्या पूछा जाएगा आपसे फिर एक अस्त्र है एयर टू एयर मिसाइल देखिए हवा में इसको छोड़िएगा तो ये हवा में ही जाके अटैक कर देगा तो ये बेसिकली विमान उड़ाने के लिए काम आएगा एयर टू एयर समझ ही गए होंगे तो यहाँ पे सामने से अगर कोई आ रहा है ऐसे प्लेन एयरक्राफ्ट और ऐसे आ रहा है तो ये अस्त्र छोड़ा ये भी अस्त्र छोड़ा दोनों एक दूसरे को उड़ा दिया ठीक है तो ये एयर टू एयर मिसाइल है निर्भय है सुपर देखिए सुपरसोनिक नहीं बोल रहे सब सोनिक बोल रहे यानी कि साउंड के स्पीड से कम है निर्भय याद रखेंगे सब सोनिक साउंड के स्पीड से कम है लेकिन साउंड के स्पीड से कम से मतलब नहीं है इसका रेंज बहुत ज्यादा है रेंज इसका बहुत ज्यादा है भले स्पीड जो भी हो बहुत दूर तक ये ट्रेवल कर जाएगा और एक है हेलिना ये देखिए क्या होता है हेलीना के बारे में हम आपको देखिए सब आता है इसलिए बता रहे हैं अ टाइम पास नहीं चल रहा है तो क्या होता है एक नाग होता है ठीक है नाग नाग क्या करता है कि दुश्मन का टैंक उड़ा देता है ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है यानी कि दुश्मन का टैंक उड़ाने के लिए काम आता है और जब आप इस नाक को हेलीकॉप्टर से छोड़ेंगे तो हेलीकॉप्टर का हेली और इसका ना, तो हेली ना आ जाएगा। और ये क्या जैसे और कहीं आप गिरा दिए तो अब वो दुश्मन का टैंक उड़ा देगा तो नाग का ही मिसाइल है ये यानी कि दुश्मन का टैंक उड़ाने का काम आता है लेकिन इतना हल्का है कि हेलीकॉप्टर से भी इसको छोड़ा जा सकता है सात से आठ किलोमीटर तक ऊपर से छोड़िए नीचे जाके टपकाइए दुश्मन का टैंक ठीक हाँ ठीक है हम क्या लिख रहे हो तो ठीक है, है कोई बात नहीं ये भी एक आ, मेरा क्या डिसेबिलिटी है लेकिन ये स्पेशली एवल्ड मान के चलो इस बात को ठीक कोई बात आजकल क्या है कि दुनिया में अगर किसी पे भी कोई आपको वो लगाना है कि ये इसको ये नहीं आता वो नहीं आता है तो वो भी एक कला है तो इसलिए इसको टोकना गलत बात है चले नेक्स्ट तो ये आप ब्रह्मोस के बारे में पढ़ रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अब देखिए ब्रह्मोस के बारे में पूछा क्या जाएगा आपसे तो ब्रह्मोस के बारे में क्या पूछा जाएगा सुपरसोनिक है और टू वाला क्या है हाइपरसोनिक है ये इंडियन प्रोपल्शन सिस्टम है यानी कि हम लोग का मिसाइल है ठीक है एयर फ्रेम पावर सप्लाई और इंडिजीनियस कॉम्पोनेंट यानी कि भारत में ही यह बना हुआ है और इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है अब ये दो लोग ने मिलकर बनाया है एक तो हमारा डी है डिफेंस एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक है एन रशिया का तो रशिया के साथ मिलकर इंडिया ने इसको बनाया है ठीक है दो नदी के नाम पे है एक मोस् मॉस्कावा ऐसे तो मॉस्को रशिया का कैपिटल भी है मोस्कावा नदी का है और ब्रह्मपुत्रा तो ब्रह्म यहां से आया है ब्रह्म और इसका मॉस यहां से आया है ठीक है ब्रह्मोस इसमें दो स्टेज है दो स्टेज है एक है सॉलिड स्टेज ठीक है और एक है लिक्विड स्टेज हम एक दिन पेड़ में आपको पढ़ा रहे थे कि रामजट और स्क्रैमजेट में क्या अंतर है है ना रामजट और स्क्रैमजेट अगर इंटरेस्ट है तो आप जान सकते हैं ये सब रामजट क्या होता है स्क्रामजट क्या होता है आजकल डुएल रैमजट भी आ गया है तो ये सब भी हम लोग पढ़ते रहते हैं खैर तो अपना अपना इंटरेस्ट का बात है जिसको इंटरेस्ट होता है, वो पढ़ता है। तो, तो एग्जाम तो वाला ये थोड़ी है कि तुम रट के बैठे हो कि कितना रेंज है एग्जाम वाला बस चाहता है कि तुमको आइडिया रहे तो तीन किलोमीटर तक इसका रेंज है ठीक है और ये आप देख सकते हैं यही ब्रह्मोस के बारे में बस बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे ये हेलिना है हेलिना के बारे में आप देख लीजिए ये किसने बनाया है डीआरडीओ का ही विंग है हेलिना को बनाया गया है बाकी बातें हम आपको बता ही चुके हैं कि ये नाक का ही हेलीकॉप्टर वाला चीज है ठीक है वर्जन इज समाइम ये ध्रुवस्त्र की तरह भी है ठीक है तो ब्रह्मास्त्र अभी आ रहा है उसमें भी पांच तरह का अस्त्र है उसके बारे में हम लोग देखेंगे तो यही सब बातें हैं बाकी ये हम लोग आगे के क्लास में भी और इसको पढ़ेंगे के इलेवन के बारे में पढ़ेंगे आकाश बड़ाक और त्रिशूल के बारे में भी पढ़ेंगे इसका आप चाहें तो स्क्रीन ले सकते हैं उतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा ब्रह्मोस और हेलीना हमको लगा तो हम बता दिए और इसी तरह से डिटेल में अगर आपको जानना है तो क्या करना है थैंक यू थैंक यू हम अच्छा पढ़ाते हैं सुन के बड़ा अच्छा लगा लाइक कर दीजिए हम समझ जाएंगे कि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हाँ इसी तरह डिटेल में आपको पढ़ना है कंसेप्ट के साथ तो ये इंडियन आर्मी वायु और नेवी का अग्निवीर का बैच है और अगर आप सी डी एस एफ कैट सी ए पी एफ की भी तैयारी करना चाहते हैं या सी आई एस एफ आई टी बी पी असम राइफल्स की तो आप उन बैचेस में आ सकते हैं डिफेंस का महापैक भी है जिसमें सारे बैचेस जितने भी बैचेज है उस, उसमें आप आ सकते हैं कोड आप वाई तीन सौ बत्तीस लगा सकते हैं ठीक है तो ये आपका डिफेंस का महापैक है जिसमें आपको कोड लगाना है कौन सा वाई थ्री थ्री टू और इसमें आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे ओके ये और यहाँ पे आप देखें एस एस सी जे आ चुका है पढ़ाई शुरू हुआ है कि नहीं तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल का हमने ये सिलेक्शन किट बनाया है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है ये सिविल का 20 जुलाई से चल रहा है चलेगा 18 जुलाई से आपको मिलेगा मैकेनिकल का और 20 जुलाई से आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल का ये महापैक है मतलब ये एस का पैक है बाकी डी और ए का भी बैचेस चल रहा है और अगर आप सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के महापैक को लेते हैं तो ये सारे पैक्स आपको एक एक ही जगह फॉर्म में मिल जाएंगे ठीक है तो कोड तो गूगल में आ जाइए गूगल में आके आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पटाक से पटाख से वेबसाइट पे जाइए पटाक से ऑल कोर्सेज ठीक है और यहाँ पे जिस भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं पूरा एकदम ओपन हो गया है जैसे इंजीनियरिंग में जाइएगा महापैक में जाइएगा देखिए अभी डबल वैलिडिटी ऑफर भी है लेकिन आज ये खत्म हो जाएगा तो ये तुरंत ही खत्म हो जाएगा अगर तुरंत लेना है तो तुरंत ले लीजिए ये सिविल महापैक में जाइए कोड लगाइए y थ्री थ्री टू और यहाँ पे अप्लाई कीजिए अब आपको एस एस सी डी डी ए जे जितने भी बैचेस है सब एक ही जगह मिल जाएंगे डबल वैलिडिटी मतलब कि बारह महीने प्लस बारह महीने ठीक है ये आपको मिल जाएगा बाकी जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं डिफेंस में देखिए एक अच्छा न्यूज क्या है कि अग्निवीर का जो बैच का प्राइस है ना वो बहुत कम हो गया है आप लोगों ने कहा था तो हमने कम कर दिया है तो ये वाई का बैच है जैसे कि यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हैं वाई थ्री थ्री टू तो ये आपको सिर्फ मिल जाएगा सेवन हंड्रेड नाइनटी नाइन अप्रोक्स ठीक है सेवन हंड्रेड नाइन में आपको ये मिल जाएगा हाँ बिल्कुल और सिर्फ सेवन नाइन्टी नाइन में और अगर आप आर्मी में भी जाते हैं जैसे कि यहाँ पे डिफेंस में आप गए और यहाँ पे इंडियन आर्मी में भी गए तो ये इसका नया बैच भी आ चुका है ठीक है पुराना वाला जो बैच है वो आपको ये अब जल्दी खत्म होने वाला है ये बैच मतलब अब ये हट जाएगा स्टोर से वाई तीन सौ बत्तीस लगाते हैं तो सेवन नाइन्टी नाइन में मिल जाएगा बाकी एफ कैट सी डी एस ए पी एफ के भी बैचेस चल रहे हैं अभी भी है लास्ट महीने तो एकदम कमर कस लो ठीक है ऐसा नहीं है कि अभी अगस्त एंड में आपका ये एग्जाम होने वाला है तो पीछे मत हटिए पढ़ाई शुरू कर लीजिए अभी भी नहीं किए हैं तो वाई तीन सौ बत्तीस टू थाउजेंड वन एटी फोर में ये बैच मिल जाएगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा ई बुक्स मिल जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस तो मिल ही जाएंगे ठीक है टेस्ट सीरीज ई बुक्स और ऑनलाइन क्लासेस न्यू बैच एस एस सी का देखिए उसके लिए आप सीधे यहाँ पे ऑल यहाँ पे जाएं एस एस में जाएँ ठीक है ये सारे बैचेज हैं जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रिकल के हैं यहाँ पे आपको जाना है कोड इस्तेमाल करना है कौन सा वाई थ्री थ्री टू और अप्लाई कर देना है बस तो ये आपका एस एस सी का इलेक्ट्रिकल का है फॉर एग्जाम्पल उसी तरह से मैकेनिकल और सिविल का भी है लेकिन सीट्स इसमें ना लिमिटेड होते हैं तो इसलिए जल्दी ले लीजिएगा तो फिर आपको इसमें इनरोलमेंट मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा ठीक है सो यू फॉर द सेशन एंड मिलते हैं हम लोग एक बजे पॉलिटी के क्लास में और रोज़ सुबह आठ बजे तो आपको पता ही कि करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रॉमिस कर रहे हैं इसी तरह से मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी ठीक है हाँ तो आज जितने क्वेश्चन हमने नए वाले किए हैं ना वो कल मैं फिर पूछूंगी याद करके आइएगा थैंक यू